चलिए अब जो करना वो करिए। मम्मी भैया नमस्ते। इस पे रखिए, उसमें भी गिर जाए, चल जाए। विवाह बन जाएगी। हाँ तो विवाह तो होएगा ही। विवाह तो हो ही रहा है। भैया की हम सब सखियों के साथ बना रहे इसी तरह। तुलसी जी का विवाह मेरे जो विष्णु भगवान है वो 4 महीना हाँ वो उसमें रहते हैं, संयम में रहते हैं। अषाढ़ के बाद जो आता है शुक्ल पक्ष, तभी से मेरे विष्णु भगवान अपने से संयम पे क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। ये आज के दिन जागते हैं, उन्हीं के जागने के बाद हम लोग उत्सव मनाते हैं। आज भगवान विष्णु का हाँ पूजन करते हैं, जगाते हैं और तुलसी मैया के अपने विवाह रचाते हैं। और ये तुलसी मैया की शालिग्राम पूजा होती है या शादी होती है? शादी होती है। भगवान शाली जो विष्णु भगवान थे वो एक साल हाँ बोलने दीजिए, जो विष्णु भगवान है ये भगवान, ये जो बिंद्रा तुलसी थी एक असुर था उसके साथ शादी हुई थी, तो भगवान ने विष्णु भगवान छल किए थे, बिंद्रा ने अपना उनको पति माना, तो इसीलिए भगवान उनकी शालिग्राम और इनकी भगवान इनके लिए पत्थर के बन गए थे, इसीलिए शालिग्राम भगवान और इनकी बिंद्रा की शादी होती है, तुलसा जी की शादी में होती है। कि जो तुलसी माता के पति थे वो अत्याचारी थे। हाँ दैत्य जालंधर थे, तुलसी माता वो हाँ वो बहुत परेशान करते थे सभी देवी देवताओं को, तो वो गए थे सब स्वर्ग लोक भगवान भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने कहा कि आप क्यों परेशान है, तो वो बताएं। वो भोलेनाथ का थोड़ा अंश था, उस वो अंश ही थे दैत्य असुर, इसीलिए उसके अंदर बहुत अंश था जलंधर, नहीं जलंधर, तो इसीलिए भगवान ने उन्हें वो किया। वो इनकी जो वो थी जो तुलसी माँ थी ये बहुत पतिव्रता थी, इसीलिए उसको कोई मान नहीं सकता, इसीलिए तुलसी माँ भगवान ने इसीलिए छल किया उनसे, तुलसी माँ से छल किया इसीलिए। तुलसी माता ने इनको श्राप दिया कि यदि मेरे पति का गर्दन हाँ, मेरे आंचल में है हाँ, तो आप कौन है? हाँ तो भगवान ने हाँ, वो पहचान गई थी तुलसी माता ने, वो तुलसी माँ कि हमें कोई छल किया है, तो विष्णु भगवान जब दिए तो भगवान कहीं जाओ तुम पत्थर के हो जाओ, तो भगवान ने शालिग्राम भगवान पत्थर के हो गए। इनका एक निवास भी है मुक्ति नारायण, वहाँ गांडीवी नदी है, वहाँ विष्णु भगवान का निवास है। तुलसी माँ वहाँ भी आज भी जितनी जलित जली थी जो पहाड़ है आज भी वो राखी जैसे है, तुलसी माँ वहाँ विश्राम करती है, इसलिए तुलसी की